जाके अपनी दादी से पूछ जो हाथ धो के पड़ गई हमारे पीछे। उसकी बददुआएं, उसके जादू टोने, उसके लड़ाई झगड़ों की नहुसत हमारी जान ही नहीं छोड़ती। उसकी वजह से इस हाल को पहुंचे हम। तो तू ही छोड़ देना लड़ाई उसे। लगता है दादी की सारी बदुआएं मुझे लग रही हैं। जी नवीद ठीक ही कह रहा है, कुछ तो ऐसा है। वो बददुआएं देती है, लड़ती झगड़ती है, मैं नहीं लड़ती उससे। और तो और पूरे मोहल्ले में बेइज्जत करके रखा हुआ है उसने मुझे। वजीद तुम उसके साथ सुलह सफाई रखा करो। कोशिश करती हूं मैं, लेकिन बुढ़िया है ही इतनी टेढ़ी, सुनती नहीं। हमारे बड़े कहते हैं कि समंदर में रह के मगरमच्छ के साथ बैर कैसा। क्या मतलब है इस बात का? तुम उसके साथ सुलह करके माफी मांग लो। सुलह वो तभी करेगी गुलखान, जब मैं ये कारोबार छोड़ूंगी। तुम बताओ, ये लाखों करोड़ों का कारोबार छोड़ के क्या करूंगी मैं? ये निकम्मा तो कुछ कमाने के काबिल नहीं है। और फिर तो नहीं हो सकता सुला जी। अरे वाह, घर तो बड़ा चमक रहा है आज। खाना भी दिया है। चलो, माँ के आने का कुछ तो फायदा है। अगर मजा के खाने खा खा के थक गई तो सफाई भी अलग करो। कम से कम ये तो है कि अम्मा सारे काम कर लेंगी, बचत भी होगी और फायदा भी। अम्मा को देख। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा मुझे माफ कर दें, सुबह मुझे बस गुस्सा आ गया था। देखो बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चों की दुश्मन नहीं होती, बस समझाती है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस जो कुछ हुआ ना, हम आप उसे भूल जाएं। आप मुझे बताएं, आपने खाना खाया है?